एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निको सुमित ऑफिशियल। अभी बज रहे हैं सुबह के 2। जी हाँ, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। सी 2:29, तो 2:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धोवा के, और सुबह सुबह ही हमें निकलना है। सो मैं हो गई हूँ रेडी एंड मैंने पहनी ये वाली ड्रेस। अभी ये सब कुछ भी फैला हुआ है तो इग्नोर कर दो आप लोग। मैं रेडी हो चुकी हूँ, हस्बैंड रेडी हो चुके हैं एंड मम्मी रेडी हो चुकी है। मैं जा रही हूँ धर्मी को रेडी करने और उसके बाद फटाक से निकलेंगे। 3:30 तक हमें घर से निकल जाना है। तो ब्लॉग मैंने सोचा कि जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए आप लोग लास्ट तक एंड आपको पता चलेगा इस ब्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं। और पसंद आए अगर ब्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो फटाक से धर्मी को तैयार करते हैं, निकलते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। 3 बजे तक हमें घर से निकलना ही है कैसे भी करके। चलो, सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। धर्मी हो गई है तैयार, हमारा बैग हो गया है पैक। सुनो, मैं आपके पीछे पीछे लेके घूम रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो हम लोग कभी नहीं भूलते अपने मंदिर में, भगवान जी से मिल के जाते हैं हम लोग कहीं भी बाहर, है ना मम्मी? अभी उठ के जाने के नाम पे अधर्मी की भी फर्स्ट फ्लाइट है। पहली बार ट्रेवल कर रहे,
हमारे कूनी जी भी आ गए हैं। हाँ हम जा खा रहे हैं, अभी हम कहीं तसल्ली से बैठेंगे ना तब बताएंगे, हम कहीं तसल्ली से बैठेंगे तब आपको बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। दिखाने को अपनी मैंने छानवी का रहा, ओए होए छानवी का रहा है, छानवी का रहा है, घूमने जा रही हूँ। और मम्मा पापा ने और धनवी ने ट्विनिंग की है। तो हम अंदर आ चुके हैं एंड वहाँ पे वो गए हैं लगेज सबमिट कराने और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये धनवी अपने आप से खुद से बात कर रही है। हम अपने बाबू को घर छोड़ के आए, इतना वो लग रहा है ना, जब सो के उठेंगे तो किसी को नहीं ढूंढेंगे, सबसे पहले कहेंगे बबूनी, मेरी बबूनी कहाँ गई। तो अभी वो छोटे हैं, अगर थोड़े से और बड़े होते तो हम लेके आ जाते हैं, अभी वो अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकते। तो अभी हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, अभी हम वेट कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड सब सोचेंगे कि ओवर एक्साइटेड है, तो जी हाँ मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हूँ, मतलब किसी चीज़ की बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि हाँ हमें चाहिए और वो एकदम से मिल जाए तो खुशी तो होती है ना, इसलिए आपको पूरे ब्लॉग में मेरे फेस पे ओवर एक्साइटमेंट दिखेगी। और हम जा रहे हैं, मम्मी कहाँ जा रहे हैं आप बता दो, सूरत बता मम्मी कहाँ जा रहे हैं, रास्ता भटक गई नहीं सन। तो हम जा रहे हैं सूरत, सूरत हम तो ऐवे ही जा रहे हैं, इनका ऑफिस का काम था है ना। आज हमने ट्यूनिंग की है, मैं धनवी और पापा तीनों सेम से। आपसे आपका तो मुंह ही बता रहा है कि कितना अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग सोच रहे हैं कि आज तक इसने एयरपोर्ट नहीं देखा, फ्लाइट नहीं देखा, इसलिए इसका ये बिहेवियर है। तो नहीं देखा, सही में नहीं देखा भाई, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, तो इसलिए मेरा ये बिहेवियर है। खुशी होती है ना जब हम किसी चीज़ को चाह रहे हो शिद्दतों से और वो एकदम से पूरी हो जाए, तो बड़ी खुशी होती है। और एक चीज़ और बताऊँगी, सुबह 3 बजे 2 बजे से निकले हुए हैं हम, 3 बजे से निकले हुए हैं, अभी तक हमें जहाँ जाना है हम वहाँ नहीं पहुँचे, इससे ज़्यादा तो हमारा ट्रेन है ना मम्मी, जाओ स्टेशन पर ट्रेन में बैठ के और चल दो, यहाँ तो भैया इतनी सिक्योरिटी, ये चेकिंग तो वो चेकिंग तो ये वो, इतने सारे ड्रामे हैं। अभी मैं जा रही हूँ धनवी को फीड कर वॉशरूम, मम्मी जाओ, अभी मम्मी जा रही हैं वॉशरूम। सो मैंने सोचा मैं फुल आपको ड्रेस दिखा दूँ, ये पूरी ब्लॉगिंग मैंने खुद ही की है, मतलब
हस्बैंड और मम्मी को ले रखे थे, और मम्मी तो मतलब कर नहीं सकती थी ऐसे, तो इसलिए मैंने ही सारा किया है जितना जब जब टाइम लगा। फ्लाइट में बैठने के लिए सबसे ज़्यादा जो खुश है ना वो मुझसे और मम्मी से ज़्यादा तो धन भी खुश है। उसको नींद नहीं आ रही है, सुबह 2 बजे से उठी हुई है और अभी तक सोई नहीं है, उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। इसे कहते हैं सपना सच हो जाना। अभी मम्मी 10 दिन पहले मैं एयरपोर्ट के बाहर आई थी और मैंने बोला था काश मैं जल्दी बैठ पाऊँ, देखो 10 दिन बाद ही। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। क्या मम्मी अपने घर में, आपको अपने घर में अच्छा लगता है? नहीं मम्मी मुझे भी अपने घर में अच्छा लगता है पर घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो यहाँ जाके जो मुझे इतना दुख हुआ कि मतलब ऐसे टर्मिनल से डायरेक्ट फ्लाइट में बैठ जाते हैं, वैसा जो फ़ोटो वगैरह वाला सीन होता है ना वो सब नहीं हो पाया, बड़ा दुख हुआ। क्योंकि मेरा एक वो था कि मैं ना फ़ोटो क्लिक कराऊंगी एयरप्लेन के आगे, बट वो हुआ ही नहीं, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी कि यार शिट ये ऐसे नहीं हो पाया, बट कोई नहीं फिर कभी। ये कुछ ज़्यादा ही चलना पड़ गया ना, मम्मी को कह रही अच्छा फैसला नहीं किया। मम्मी मतलब वो मैंने बोला ना चलो तरो ही सवार हो तुझे देख लो, हमने अच्छा प्रमोट किया। हाँ तो फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। नहीं मंजिल पे नहीं, मतलब मेरे लिए जो मंजिल था मैं वहाँ पहुँच गई। मैं मुझे सिर्फ एयरपोर्ट आना था, सही बताऊँ तो मुझे सिर्फ फ्लाइट देखनी थी। सब मुझे पता है पागल ही सोचेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ही वो है तो है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। चलो मम्मी थक गए ना। एंड फाइनली हम पहुँच गए, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। एंड इसके लिए मैं स्पेशल थैंक यू आप सबको बोलना चाहूँगी, क्योंकि मतलब जो चीज़ इतने टाइम से पॉसिबल नहीं हो पा रही थी वो सिर्फ 10 दिन के बाद पूरी हो गई, जब मैंने आप लोग से शेयर किया कि मेरा मन है मुझे ऐसे ऐसे बैठना है, मुझे ये मुझे बहुत ज़्यादा एक ड्रीम्स होता है ना, देखो सबका अपना अपना सोच होता है कि सबका एक अपना अपना अलग होता है, मेरे लिए ये था। तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया और सबने दिल से इतना मेरे लिए प्रे किया कि मैं सिर्फ 10 दिन में अपना मैंने जो सपना था वो पूरा कर लिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरी पूरी YouTube फैमिली। आप सबके प्यार एंड सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एंड थैंक्स टू माय फैमिली कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं और मेरी इतनी हेल्प करते हैं, मेरी करियर मतलब बहुत हेल्प करते हैं। एंड इसके बाद आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगी, ये जो नज़ारा है ना कसम से यार क्या नज़ारा है, ऐसा नज़ारा मतलब इतना सुंदर। और ये धनवी को देख रहे हो आप लोग, इसको ऐसे लग रहा था कि क्या ही मिल गया, नींद नहीं थी इस लड़की की आंख में, बिल्कुल भी नींद नहीं थी, सो नहीं रही थी बिल्कुल भी, सब कुछ ऐसे टुकुर 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 की गुर कर रही थी। अब फाइनली हम जा रहे हैं हवाओं में उड़ने के लिए। एंड जो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना वो इसी टाइम पर लगता है, पेट में ना अजीब सा ही हो गया था मेरे को, और एकदम से जब ऊपर गई या नीचे ये सब देखा ना, हाय इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको, इतना सुंदर इतना सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा था। जो लोग हमेशा आते जाते हैं उनके लिए बहुत अजीब लग रहा होगा। मम्मी से पूछे मम्मी को कैसा, थोड़ा 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 सा मुझे एकदम से जब वो हुआ ना तो मुझे बहुत तेज डर लगा, मैंने लगा ये क्या हो रहा Gandhi. And he always reminds us to live honestly and for a dear.
ये उगता हुआ सूरज, कसम से यार क्या व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है ये उगता हुआ सूरज ऐसे देखने को मिला, क्या ही बोलूँ। मैंने अपने साथ साथ आप सबके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर की, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ भी हर छोटी छोटी चीज़ शेयर करने में। एंड अब हम उतरने की तैयारी कर रहे हैं, मैंने सोचा अब नीचे उतरूँगी तो क्या पता वैसा कुछ होगा जो मैं फ़ोटोज़ क्लिक करा पाऊँगी, बट वहाँ भी नहीं पॉसिबल हुआ, वो भी डायरेक्ट एयरपोर्ट से अटैच किया हुआ था, ये कुछ होता है मुझे पहली बार ही वहाँ पे पता चला। तो वहाँ पे नीचे नहीं उतर सकते, बस वगैरह से नहीं जा सकते, ऐसे ही उतरना पड़ता है, तो वहाँ भी नहीं मिला मेरे को, बट कोई नहीं इतना मिल गया इसलिए लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इतना मिल गया इतने में ही खुश होना चाहिए। एंड मेरा मास्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताना कॉमेंट में, मैं आपके साथ हॉल शेयर कर दूँगी। सो फाइनली हम आ गए सूरत, कुछ दिख जाएगा बाहर से, थोड़ा सा तेज बोलेंगे पता नहीं इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तेज बोल रहा हूँ, नहीं बहुत धीरे बहुत धीरे बोल मैं अपने सूरत मुझे आना था तो मैंने सोचा कि चलो किसी मैंने फ्लाइट में बैठा था। हाँ मेरा सपना था, सोने के स्वाद अब हम सूरत में फिर घुमाएंगे थोड़ा बहुत तो घुमाएंगे और हम करेंगे शॉपिंग, इनको अगर टाइम मिल गया अगर ये फ्री हो गए तो हम शॉपिंग भी करेंगे और हम थोड़ा बहुत घूमेंगे भी और हम कल वापस भी चले जाएंगे। अभी टिकट्स हुई नहीं है, अभी पता चलेगा कि हम कल ही जा रहे हैं या परसों जा रहे हैं, एक दो दिन रुक के जा रहे हैं। पीछे मम्मी बैठी हुई है धनवी को लेके, सही में कान में ना जीप सा ही हो गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बोल रहे हैं बट हम बोल बहुत स्लो रहे हैं, पता नहीं रिकॉर्ड कैप्चर हो आवाज़ कैप्चर हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। चलो मिलते हैं होटल पहुँच के, और मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड, है ना, इस वाले ब्लॉग को एंड कर दूँ ना अब यहाँ से होटल वाला दोबारा, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपना सेकंड ब्लॉग रहीम होटल वाला, तो यहाँ से सेकंड ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, है ना, बाय बाय। हाँ सूरत की कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ और स्पेशल एंड धमाकेदार चीज़ें दिखेंगी आप लोगों को। तो इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना सेकेंड ब्लॉग, बाय बाय।